यह मेरा बाइक जिसमें देखो धूल मिट्टी मैल सब कुछ भर भर लगा हुआ है। सो गाइस लास्ट 3 से 4 महीने से बाइक का कोई सर्विसिंग नहीं, कोई वॉश नहीं, कोई क्लीन नहीं, एक्चुअली टाइम नहीं मिल रहा है। तो आज मैं जा रहा हूँ सर्विसिंग करने के लिए। ये फ्री वाला सर्विसिंग है। एक्चुअली नया बाइक खरीदोगे तो पहले 1 साल आपको फ्री सर्विसिंग मिलता है, तो 2 हो चुका है, ये लास्ट वाला सर्विसिंग है। सुबह के 9 बज चुके हैं तो मैं जा रहा हूँ बाइक के शोरूम, तो चलिए पहुँचते हैं। बाइक का आज का सर्विसिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि मेरा जो सेकेंड सर्विसिंग हुआ है उसके बाद मैंने किया है 2 लॉन्ग ट्रिप। एक तो है दीघा, जो सी बीच दीघा एरिया में मैंने किया था एक लॉन्ग ट्रिप, और दूसरा मैंने किया था भाई तारापीठ में। तो लगभग कितना किलोमीटर एग्जैक्टली फिगर अप डाउन पता नहीं है, लगभग 1500 से भी ज़्यादा किलोमीटर मैंने ड्राइव कर लिया है। तो इसीलिए आज इसका मोबिल भी चेंज करना पड़ेगा। अभी फाइनली रीच्ड, तो वही अंदर जाएंगे बाइक को सीधे लेकर, बट वर्कशॉप का वीडियो करना मना है। तो अंदर जाके अगर पॉसिबल होगा तो वीडियो शूट करेंगे, नहीं होंगे तो नहीं करेंगे। पहले बाइक को एक जगह पे चलिए पार्क करते हैं। एक्सीडेंट हो गया था ना, तो चेंज कर ले। হ্যাঁ পুরো কালকে সব এই যে ভাইজারে সব শো হচ্ছে, একটা জিনিস পাইনি এইটা, এটা ভালো আছে বলে লাগিয়ে দিয়েছি। নতুন লাগা না, ভেঙে গেছে। হ্যাঁ লাগিয়েছে, সব ভেঙে গেছে। এই যে দেখতে পাও না, দুটো মাল পাওয়া যায়নি, একটা আর এই একটা। এটা লিখে রাখো, বড় যদি পাও পর ডেকে নিও। পরে সব এই সব পাল্টানি, তুমি দেখলে অবস্থা পুরো সামনে পুরো দুমড়ে গেছিল পুরো। হ্যাঁ পুরো একদম এই চ্যাসিস পুরো টাল হয়ে গেছিল, এই সব খোলা হয়ে গেল। So friends, so this is my bike. So bike का there are some activities जो हो चुका है। Unfortunately यहाँ का electricity नहीं है तो wash नहीं हुआ, तो bike का 3 काम हुआ है, साहब ने कर दिया है। तो पहले तो मोबिल चेंज, सेकेंड हुआ यहाँ का जो सॉकर का ऑयल चेंज और हैंडल का कुछ ऑयलिंग हुआ है। सो भैया बाइक का सर्विसिंग हो चुका है, बट अनफॉर्चुनेटली वॉश नहीं हुआ। और मैंने किया है 4 काम मेरे बाइक के ऊपर। पहला काम जो मैंने किया है दैट इज़ द मोबाइल चेंज कर दिया है। दूसरा काम जैसे किया है दैट इज़ द मेरा जो सॉकर है बाइक का, सॉकर का भी ऑयल थोड़ा सा चेंज कर दिया है। और इसका जो हैंडल है इसको थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए इसको ग्रीस लगा के थोड़ा सा स्मूथ कर दिया है। और चौथा काम जो किया है चेन के ऊपर, क्योंकि 4,500 किलोमीटर ऑलमोस्ट मैंने बाइक से रन कर चुका हूँ और बहुत ही पथेटिक यू नो जस्ट लाइक रास्ते थे, तो चेन थोड़ा सा ढीला हो चुका था, तो चेन भी मैंने थोड़ा सा टाइट कर लिया है। तो अभी बाइक चल रहा है झकाझक, बट अनफॉर्चुनेटली एक काम नहीं हुआ दैट इज़ द बाइक वॉश। बाइक इतना गंदा था, उतना ही गंदा है क्योंकि शोरूम में खड़ी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। जस्ट सोचिए, व्हाट द डैश ओके, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, उसका बैकअप भी कुछ नहीं है। तो उस लोगों ने बोला भाई हम लोग सर आपको पोछ पाछ दे रहे हैं, आपको वॉश ड्यू रख रहे हैं, आप बाद में कभी आकर आप वॉश कर लो। भाई अभी एक घर के पास ही वॉशिंग का जगह है, वहाँ से करूँगा तो 100 रुपये लग जाएगा, तो 100 रुपये में हो जाएगा। तो भाई क्यों भाई 100 रुपये के लिए इतना 15 किलोमीटर क्यों आए, घर के पास से ही करवा लूँगा, दैट्स नॉट द बिग डील। पैसा बचाने के लिए टाइम वेस्ट करना नहीं है। तो ये था टोटल इंटायर आज बाइक सर्विसिंग का सीन। होप्स यू एंजॉयड द व्लॉग। वीडियो अगर अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। सो गाइज ये था छोटा सा कोशिश आपको दिखाने के लिए। सो दोस्तों सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।